हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं, सिंपल सा रिव्यू रहने वाला है V27 का, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, जिसको लॉन्च हुए तो आई थिंक 2 या 3 हफ्ते हुए हैं। ठीक है, अब ये वीडियो कब मिल रही है जो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने ये चला के देखना है या कोई आपको इंक्वायरी करनी है तो आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो, शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो ये 2 प्राइस सेगमेंट में आता है। एक आता है 33,000 का, एक आता है 37,000 का। 37 और 33 में क्या है ये आगे आपको पूरी फुल वीडियो देखने में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं V27 के प्राइस के बारे में, जो कि मैंने बता दिया। अब हम लुक के बारे में बात करते हैं। लुक इसकी काफ़ी ही औसम है, ये चेक कर सकते हो। अगर V27 और 27 प्रो में देखा जाए तो आपको दोनों में कर्व डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं जो 33,000 में, अब आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आपको इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम डिस्प्ले साइज की बात करते हैं। इसके जो डिस्प्ले साइज रहेगा वो रहेगा 6.78 इंच, फुल्ली HD+ AMOLED डिस्प्ले क्वालिटी है, जो कि 120Hz के ऊपर काम करने वाली है, जो कि काफ़ी बढ़िया आपको इन्हेंस देने वाली है। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कर्व डिस्प्ले कैसी लगती है। ठीक है, इसकी कर्व डिस्प्ले है, 3D कर्व डिस्प्ले रहती है इसकी। ठीक है, जो कि इन्होंने काफ़ी मतलब सस्ते रेंज में कर्व डिस्प्ले दे दिया, 33,000 में इन्होंने कर्व डिस्प्ले दे दी है। ठीक है, अगर देखा जाए जो इनका V27 प्रो है वो 37,000 में स्टार्ट प्राइस है उसका। ठीक है, बाकी वो 40,000 में है, 43,000 में, ऐसे अलग अलग प्राइस है। इनका कंपैरिजन कर देंगे कि डिफरेंस कहाँ पे आती है बहुत जल्दी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो फ्रेंड्स डिस्प्ले मैंने आपको बता दी है, क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। फ्रंट कैमरे की बात करते हो तो इसका फ्रंट कैमरा जो मिलेगा वो मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, जो कि पंच होल में है। ठीक है, बटर ड्रॉप नॉच में नहीं है, पंच होल में। पंच होल कैमरा मुझे काफ़ी पसंद है और कर्व डिस्प्ले भी मुझे काफ़ी पसंद है। यदि आप इसको कर्व डिस्प्ले आपको पसंद है तो काफ़ी बढ़िया रहता है, पर इसकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो पहले फिलहाल हम फ्रंट कैमरा चला के देख लेते हैं। चेक कर सकते हो फ्रंट कैमरा, जो कि फेस स्कैनिंग के साथ काम कर रहा है, आई स्कैनिंग के साथ, आई स्कैनिंग नहीं है, फेस स्कैनिंग के साथ काम कर रहा है। बाकी इसमें आपको फीचर्स काफ़ी मिल जाते हैं। ठीक है, ये चेक कर सकते हो। मोर में जाते हैं तो आपको इसमें काफ़ी बर के फीचर्स दे रखे हैं। आई थिंक मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आज तक आपने कभी ये सारे फीचर्स यूज़ किए हैं। स्लो मोशन कौन कौन अब यूज़ करता है, स्टार्टिंग में तो काफ़ी जनों ने किया था। मेरे फ़ोन में भी है, S23 Ultra में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसमें, यहाँ पर आज तक मेरे ख्याल से मैंने कभी किया नहीं। हाँ, शॉर्ट्स में बनाते समय जो उसका शॉर्ट्स में फीचर आता है वो यूज़ किया, पर कैमरे का खुद से अलग से मैंने यूज़ नहीं किया। बाकी देखेंगे कैसा क्या रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके राइट साइड में, तो राइट साइड में चेक कर सकते हो, आपको वॉल्यूम की रोकर का अप डाउन का बटन देखने को मिल जाता है, और पावर लॉक बटन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट की बात करते हो तो एकदम क्लीन देखने को मिल जाता है। आपकी बात करते हो तो आप में चेक कर सकते हो, आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो स्टॉप करके। अब हम चलते हैं नीचे, नीचे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, टाइप सी चार्जर, मेन माइक और आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, जो कि 5G इजीली सपोर्ट करता है, आपको पता है। ठीक है, 5G सेट रहने वाला है तो 5G आपको झूं झूं करके देखने चलाने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं बैक में, तो बैक में आप चेक कर सकते हो, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, साथ में रिंग लाइट की तरह आपको फ्लैश देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि शॉर्ट्स में रिंग लाइट काफ़ी यूज़ करते हैं, तो रिंग लाइट का आपको जो आँखों में सर्कल सा बनता है वो आई थिंक बनने को देखने को मिलेगा। इसके हम फ्लैश ला के देखते हैं कि कैसी जलने में कैसी देखने को मिलती है, ये चेक कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी यादी लग रही है, बाकी ओवरऑल काफ़ी ही अच्छी लग रही है। लो बढ़िया ना, तो फ्लैश को हम बंद करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बैक कैमरों के बारे में, 50 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरा रहेगा और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी रहेगा, प्लस इसका 2 मेगापिक्सल का रहेगा। थोड़ा कैमरा आगे पीछे होता है क्योंकि एक दिन में मैं काफ़ी वीडियो शूट करता हूँ तो नाम आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, जो फ्रंट कैमरा वो भी 50 मेगापिक्सल का, मतलब कि फ्रंट और रेयर कैमरा है इसका, दोनों 50 मेगापिक्सल के, मतलब कि फ्रंट और काफ़ी अच्छी फोटो आने वाली, चाहे आप आगे से लो चाहे आप बैक कैमरे से लो, तो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कल पिक्सल्स नहीं होते, ओवरऑल प्रोसेसर भी काम करता है, सारा मिलके ही काम करता है फ़ोन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको नीचे ब्रांडिंग मिल जाती है वीवो की। अगर हम इसकी ग्रिपिंग की बात करते हो, ग्रिपिंग इसकी काफ़ी ही बढ़िया है और काफ़ी लाइट वेट है। ठीक है, और ये काफ़ी स्लिम भी है, अगर देखा जाए तो ना इतना मतलब कि स्लिम भी काफ़ी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके वेरिएंट के बारे में, जो इसका वेरिएंट है वो आपको इसमें 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। इसका जो खुद का वेरिएंट वो आपको 8GB RAM, 128GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है, जो कि 33,000 के अंदर मिलती है। अगर आप 33,000 पे करते तो आपको 8GB RAM, 128GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी। अगर आप 37,000 पे करते हो तो आपको इसमें रैम जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको 12GB RAM मिलेगी और
256 GB इसकी इंटरनल मेमोरी मिलेगी जो कि 37,000 में आपको देखने को मिल जाएगी। आई थिंक मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप इसको वीडियो शूट के लिए ले रहे हो तो आप 37,000 वाला लो जिसमें आपको इंटरनल मेमोरी ज़्यादा मिल जाती है। इन द सेंस आप कहीं बाहर घूमने गए हो तो आपकी जो रैम है वो रोम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। वैसे 128 GB काफ़ी होती है पर मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा लो तो ज़्यादा बेनिफिट है, आपकी बाकी मर्जी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, इसका जो प्रोसेसर है वो डायमेंसिटी 7200 है, ठीक है, डायमेंसिटी का इसका प्रोसेसर है मीडियाटेक का जो कि 7200 है। उसके बाद अगर हम इसकी बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी इसकी 4600 mAh की है जो कि 66 W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए तो ये इसका सिंपल सा रिव्यू था, आई होप कि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कोई मिस्टेक हो उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये आपको सेट कैसा लगा कमेंट करके बताना। इसमें अगर कलर की बात करते हो तो आपको इसमें और भी कलर देखने को मिल जाते हैं, ये कलर चेंजिंग है धूप में जाके ये डार्क ब्लू हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने टैटू टूटू बनाने कोई कटिंग करके इसके ऊपर रखोगे तो धूप में लेके जाओगे तो वो इस पर छप जाता है कुछ टाइम के लिए जो कि 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक रहता है, फिर शाम में आओगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। बाकी ये आपको कैसा लगता है करंट चेंजिंग, इसका जो फीचर्स आया हुआ है इसके अंदर वो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।